देखो व्हाट इज स्ट्रिपिंग वैल्यू, हम लोग आज करेंगे स्ट्रिपिंग वैल्यू ऑफ टेस्ट ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, तो स्ट्रिपिंग वैल्यू कौन सा जगह में यूज होता है? हम लोगों को ये टेस्ट हम लोग मेनली करते हैं जो रोड में जो एग्रीगेट विद बिटुमिन जो मिक्सचर यूज होता है, ठीक है, तो उसमें कितना बॉन्ड है बा बिटुमिन उसमें कितना कवर अप कर रहा है बिटुमिन, ठीक है, एग्रीगेट के ऊपर, उसके लिए हम लोग क्या करता हूँ स्ट्रिपिंग वैल्यू टेस्ट। ठीक है, तो देखो स्ट्रिपिंग वैल्यू टेस्ट क्या बोल रहा है, द स्ट्रिपिंग वैल्यू ऑफ एग्रीगेट इज डिटरमाइंड एज द रेशियो ऑफ द अनकवर्ड एरिया ऑब्जर्व विजुअली टू द टोटल एरिया ऑफ एग्रीगेट एक्सप्रेस इन परसेंटेज। मतलब क्या हुआ, एग्रीगेट को कुछ एग्रीगेट लिया टेस्ट में, इन जनरल 200 ग्राम लेते हैं हम लोग एग्रीगेट, ठीक है, वो एग्रीगेट में स्ट्रिपिंग वैल्यू जो एपरेटर से हम लोग जब मिक्सिंग करेंगे एग्रीगेट एंड बिटुमिन को, तो कितना कवर कर रहा है, मतलब एग्रीगेट का पेरिफेरी में जो है, मतलब आउटर साइड में जो है, कितना कवर अप कर रहा है, मतलब कितना बिटुमिन लगा हुआ रहेगा, एंड एक टेम्परेचर 40 डिग्री टेम्परेचर इनबिल्ट करने से 40 डिग्री, तो उसमें कितना अनकवर्ड हो जाएगा। पहले मान लो पूरा जो एग्रीगेट है, एग्रीगेट में पूरा मिक्सिंग अच्छा से कर लिया, तो पूरा में बिटुमिन का एक लेयर बन गया एग्रीगेट के ऊपर में, एंड उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक टेम्परेचर हम लोग मेंटेन किया, और तुम्हारा ह्यूमिडिटी जो है, बारिश के टाइम में जो है पूरा बारिश होता है, एक वाटर में भी रखना पड़ता है, तो वो टेस्ट पॉजिटिव बता रहा हूँ, मतलब वेदर के हिसाब से कितना अनकवर्ड हो जाएगा, मतलब बिटुमिन कौन सा एरिया में निकल जाएगा, तो उसका हमको रेशियो निकालना पड़ेगा। टोटल कवर्ड किसका है रेशियो, इज द रेशियो अनकवर्ड एरिया ऑब्जर्व विजुअली, विजुअली जो अनकवर्ड एरिया जिसमें बिटुमिन नहीं है उसका एरिया, टू द टोटल एरिया ऑफ एग्रीगेट, टू द टोटल एरिया ऑफ एग्रीगेट, मतलब एग्रीगेट का टोटल एरिया डिवाइडेशन करने से हम लोग परसेंटेज मिल जाएगा। बिटुमिन एंड टार एडेयर वेल टू ऑल नॉर्मल टाइप्स ऑफ एग्रीगेट्स प्रोवाइड दे आर ड्राई आर नॉट एक्सेप्शनली डस्टी। मतलब वो जो हम यूज करेंगे कोर्स एग्रीगेट वो ड्राई होना चाहिए और डस्टी नहीं होना चाहिए मटेरियल, ठीक है। द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रिपिंग इज एक्सपीरियंस ओनली विथ बिटुमिनस मिक्सचर, कौन सा में यूज होता है बिटुमिनस मिक्सचर विच आर परमेबल टू वाटर, ठीक है। द टेस्ट गिव्स द प्रोसीड्योर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द स्ट्रिपिंग वैल्यू ऑफ एग्रीगेट्स बाय स्टैटिक इमर्शन मेथड विच व्हेन बिटुमिन एंड टार बाइंडर्स आर यूज्ड। तो ये देखो दो पिक्चर है, एक में क्या है एग्रीगेट ओनली, एग्रीगेट में क्या हुआ है देखो, थोड़ा थोड़ा क्या है एग्रीगेट है उसके अंदर में बिटुमिन दिया है, तो ये आफ्टर टेस्ट में ऐसा हुआ, जो जो एरिया में अनकवर्ड किया है उसको हमको लेना है, ये टोटल एरिया है एग्रीगेट का, एंड अनकवर्ड एरिया मतलब इधर में जो जो जगह में बिटुमिन नहीं है कोर्स एग्रीगेट में, एक एक कोर्स एग्रीगेट लेके हमको मेजर करना है, एंड दोनों को डिवाइडेशन करने से और परसेंटेज में कन्वर्ट करने से वो हो जाएगा मेरा स्ट्रिपिंग वैल्यू, ठीक है। टू डिटरमाइन द स्ट्रिपिंग वैल्यू ऑफ रोड एग्रीगेट्स बाय बाइंडर एपरेटर्स क्या क्या, थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल्ड वाटर बाथ ओवन टू हीट एग्रीगेट, सीप साइज 20 mm एंड 12.5 mm, बीकर ऑफ 500 ml कैपेसिटी, मिक्सर टू मिक्स एग्रीगेट एंड बिटुमिन, ठीक है, प्रोसीड्योर में चलाओ, ये चीज हमको चाहिए। और इसमें और एक चीज नहीं है, इसके अंदर बीकर आना मिक्सर है जो हम मतलब लैब में जो है हम लोगों को तुम्हारा स्ट्रिपिंग वैल्यू एपरेटर मिक्सर मशीन है, ठीक है, उसका भी हम फोटो दिखा रहा हूँ कैसा होता है। देखो पहले क्या करना पड़ता है, 200 ग्राम ऑफ
क्लीन ड्राई एग्रीगेट पासिंग 20 mm ISC, मतलब 20 mm से पास हो जाएगा एंड रिटेन ऑन 12.5 mm सीप, आर हीटेड अप टू 150 डिग्री व्हेन दीज आर टू बी मिक्स्ड विद बिटवीन। पहले क्या करना है, 20 mm से पास कराना है 12.5 mm में, रिटेन जो मटेरियल होगा उसको 150 डिग्री में हम लोगों को हीट करना है। नेक्स्ट चलाओ, बिटवीन बाइंडर अमाउंटिंग टू 5% बाय वेट ऑफ द एग्रीगेट इज हीटेड टू 160 डिग्री सेल्सियस। बिटवीन बाइंडर कितना है, एग्रीगेट का वेट जो है उससे उसका 5% जो है हमको लेना है, उसको कितना में हीट करना है, 160 डिग्री सेल्सियस में उसको हीट करना है। द एग्रीगेट एंड बाइंडर आर मिक्स थ्रूली टिल दे आर कंप्लीटली कोटेड। एग्रीगेट एंड बाइंडर मिक्स थ्रूली, मतलब क्या बोल रहा है, बाइंडर एंड एग्रीगेट जो है, मतलब बिटवीन बाइंडर एंड एग्रीगेट जो है, थ्रूली टिल द कंप्लीटली कोटेड, मतलब आउटर साइड में पूरा कोटेड होना चाहिए इसका, बिटवीन का, बिटवीन बाइंडर जो यूज करेंगे हम लोग उसका। एंड मिक्सचर इज ट्रांसफर टू ए बीकर, पहले कोटेड कर लिया, उसके बाद मिक्सचर इज ट्रांसफर टू द बीकर, मिक्सचर को क्या करना है, बीकर में ट्रांसफर करना है। एंड अलाउड टू कूल एट रूम टेम्परेचर 2 आवर्स, मतलब उसको 2 घंटे के लिए बीकर में ट्रांसफर करके हमको छोड़ देना है, ठीक है। डिस्टिल वाटर इज देन एडेड टू इमर्स द कोटेड एग्रीगेट्स, उसमें क्या करना है, डिस्टिल वाटर अभी डालना है, 2 घंटा बाद डिस्टिल वाटर डालना है, वो तुम्हारा जो कोटेड जो कोर्स एग्रीगेट है उसके अंदर में डिस्टिल वाटर डालना है। द बीकर इज कवर्ड एंड केप्ड ए वाटर बाग मेंटेन एट 40 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर्स, बीकर को कवर करना है एंड केप्ड इन वाटर बाग मेंटेन एट 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब 40 डिग्री सेल्सियस में 24 आवर्स क्या करना है उसको रखना है वाटर बाग में। आफ्टर 24 आवर्स द बीकर इज टेकन आउट, 24 घंटे के बाद बीकर को बाहर ले लेना है, कूल्ड एट ए रूम टेम्परेचर, ठंडा करना है एंड एक्सटेंट ऑफ स्ट्रिपिंग इज एस्टिमेटेड विजुअली व्हाइल द स्पेसिमेन स्टिल अंडर वाटर। क्या बोला है, द एक्सटेंट ऑफ स्ट्रिपिंग इज एस्टिमेटेड विजुअली, तो तुम्हारा एक्सटेंट ऑफ स्ट्रिपिंग इज एस्टिमेटेड विजुअली, मतलब क्या बोल रहा है, तुम्हारा वाटर के अंदर भी तुमको स्ट्रिपिंग मिल जाएगा, स्ट्रिपिंग मतलब छोड़ना, मतलब बिटुमिन जो है तुम्हारा कोर्स एग्रीगेट ऊपर से छोड़ दे रहा है वो दिखाई देगा। विजुअली द स्पेसिमेन इज स्टिल अंडर वाटर, ठीक है, अंडर वाटर टाइम में ही तुमको दिखाई देगा। नेक्स्ट देखो, ये है हम लोगों को लैब में अपैरेटस, इसमें हम लोग मिक्सिंग करते हैं, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा देखो 4 ग्लास बॉल है, तो उसके अंदर में हम लोग बिटुमिन कोर्स एग्रीगेट एंड बिटुमिन करके उसके बाद इधर से स्विच ऑन करके इसको, ये पूरा जो सेटअप है ये घूमता है पूरा, ठीक है, 360 में घूमता है, पूरा रोटेशन होता है। तो हम लोग जब तक पूरा कोटिंग नहीं हो जाता है तब तक इसको रोटेशन कराएंगे, ठीक है, एग्रीगेट एंड तुम्हारा क्या देना है बिटुमिन देके उसको रोटेट कराएंगे, ये मशीन का यही काम है, ठीक है। इसको ही हम लोग बोल रहा है स्ट्रिपिंग वैल्यू एपरेटर, मिक्सर मशीन और स्ट्रिपिंग वैल्यू एपरेटर भी बोल सकते हो तुम लोग, ठीक है। चारों ग्लास में देके उसको मिक्सिंग करना है पूरा कोटेड करने के लिए, ठीक है। ये है मशीन, देखो द रिजल्ट इज रिपोर्टेड एज द परसेंटेज ऑफ स्टोन सरफेस दैट रिमेन्स कोटेड After the specified period, मतलब specified period के बाद क्या बोल रहा है, the result is reported as the percentage stone surface that remains coated, मतलब जो coated नहीं हुआ, ठीक है, specified period, मतलब ये test करने के बाद, उसके बाद देखना है कितना coated नहीं, मतलब coated छूट गया है। The mean value of least of at least 3 visually estimated value, ठीक है, उसका averaging लेना है, mean value लेना है 3 का, मतलब 3 का एवरेजिंग वैल्यू लेना है, बीइंग राउंड अप नियरेस्ट 5%, ठीक है, उसका मतलब क्या है, 5% का ऊपर प्लस माइनस 5% रिजल्ट का वेरिएशन हो सकता है, वही बोल रहा है,
by visual estimations stripping value of road aggregate percentage. Specification क्या बोल रहा है? Indian Road Congress has specified the maximum stripping value as 5% for aggregate to be used in bituminous construction like surface dressing, penetration macadam and bituminous macadam and carpet. ठीक है, एज पर आईएसआर क्या बोल रहा है, द स्पेसिफाइड मैक्सिमम स्ट्रिपिंग वैल्यू एज 5% ऑफ फॉर एग्रीगेट. तो एग्रीगेट के लिए कितना होता है मैक्सिमम 5%. टू बी यूज्ड कौन सा, बिटुमिनस कंस्ट्रक्शन में होता है, सरफेस ड्रेसिंग में होता है, पेनिट्रेशन मैकाडम में होता है एंड बिटुमिनस मैकाडम एंड कार्पेट में होता है. एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रिपिंग वैल्यू टेस्ट. समटाइम some types of aggregates have a lesser affinity with bitumen comparison with water, hence the stripping value of bituminous binder is done when mixed immersed in water. The problem of stripping is coated aggregate is not so assembled to theoretical treatment, thus an addition of test. मतलब इसका जो बोल रहा है, हम लोग जो कोर्स एग्रीगेट यूज करते हैं तो वो सिंपली देखो असेंबल ऐसा होता है, कोई जगह के मतलब एक एग्रीगेट का एक जगह में प्रेशर ज्यादा होता है, कोई जगह में प्रेशर, जिधर कॉम्पैक्शन ज्यादा हुआ उधर प्रेशर ज्यादा होगा. ठीक है, उस टाइम से क्या होगा, उस टाइम में क्या होगा, कोटिंग उठ जाएगा. तो उसका क्या बोल रहा है, द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रिपिंग इन कोटेड एग्रीगेट इज नॉट सो एनिमेबल to theoretical treatment, thus an addition test such as simple stripping test would be suitable to assess whether the binder would adhere to the aggregate when the immersed in water. Several anti-stripping agents are available which are or when are used bituminous mix reduced to water. तो तुम्हारा compaction के चलते, load के चलते भी तुम्हारा क्या होता है, addition कम हो जाता है. तो उस टाइम जब एडिशन जब कम होगा, एडिशन जब कम होगा, मान लो टेम्परेचर ज्यादा हो गया, ठीक है, एडिशन कम होगा, कोई एक जगह में जो जगह में ज्यादा बिटुमिन का लेयर था, बॉन्डिंग अच्छा था, वो जगह में टिक जाएगा, जो जगह में नहीं था वो जगह में क्या हो जाएगा, उसका बिटुमिन जो है सरफेस से उड़ जाएगा. कॉम्पैक्शन के चलते भी हो सकता है, बारिश के चलते भी हो सकता है, वाटर के चलते भी हो सकता है, वाटर ज्यादा हो गया तो उसमें भी बॉन्डिंग छोड़ सकता है कोर्स एग्रीगेट. तो ये इन मतलब ये सब के लिए सब यूज होता है. तो सेवरल एंटी स्ट्रिपिंग एजेंट्स आर अवेलेबल व्हिच वेयर व्हेन यूज्ड टू बिटुमिनस मिक्स स्ट्रिपिंग. ठीक है, मिक्स द स्ट्रिपिंग. ठीक है, ये तुम्हारा मशीन है. ठीक है, और एक चीज कैलकुलेशन वाला देख लो. अभी कैलकुलेशन वाला सेक्शन देख लो. डिटर्मिनेशन नंबर, टाइप ऑफ एग्रीगेट, कौन सा ये एग्रीगेट यूज कर रहा है, 40 mm डाउन, 20 mm डाउन, क्या यूज कर रहा है,
न्यान कितना बोला 20 to 12.5, तो 20 mm राउंड यूज करेंगे। टाइप ऑफ बाइंडर, बाइंडर कौन सा, बीजी 30 बीजी 15 जो भी है बाइंडर। परसेंटेज ऑफ बाइंडर यूज मतलब कितना परसेंट, 5% लेके तुमको काम करने बोला तो 5% यूज कर रहा है ना कि ज्यादा यूज कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है परसेंटेज। द टोटल वेट ऑफ एग्रीगेट, वेट ऑफ एग्रीगेट कितना लिया था, 200 ग्राम लिया था, तो 200 ग्राम हो गया वेट ऑफ एग्रीगेट। टोटल वेट ऑफ बाइंडर, बाइंडर कितना लिया था, उसको भी 5% के हिसाब से पहले तो वेट करके ही उसको डालना है, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ वाटर बाथ कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस, स्ट्रिपिंग वैल्यू मिल जाएगा पूरा टेस्ट करने के बाद। टोटल अनकवर्ड एरिया मतलब ये के कोर्स एग्रीगेट के ऊपर में जो बिटुमिन लगा नहीं है उसका एरिया हमको मेजर करना है, और टोटल एग्रीगेट का जो एरिया नीचे देना है तो हो जाएगा स्ट्रिपिंग वैल्यू। तो स्ट्रिपिंग वैल्यू के हिसाब से अभी क्या करना है, इतना 3 रीडिंग लेना है, 3 रीडिंग लेने के बाद उसका मीन स्ट्रिपिंग वैल्यू रिजल्ट निकलना है, ठीक है। मीन मतलब उसको एवरेज करना है, ठीक है। अभी बोलो किसी का क्या प्रॉब्लम है, टेस्ट रिलेटेड किसी को कुछ प्रॉब्लम है, हेलो सिमुलेशन? देखो ये वर्चुअल लैब में नहीं है और यूट्यूब में हमको ठीक ठाक नहीं लगा, ठीक है, तो हम दोनों जगह से ही हम तुमको दे नहीं पाया, ठीक है, उसलिए हम फोटो भी दिखा दिया तुमको, उसको खाली मिक्सचर मशीन है दोनों में, सिमुलेशन में तो तुम्हारा वर्चुअल लैब में है ही नहीं, ठीक है, तो दोनों चीज में नहीं है। तो जब तुम्हारा ये होगा ओपन होगा उस टाइम एक बार कर लेना, बट टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग लैब है, क्योंकि पहले 2 घंटा उसके बाद कितना बोला, उसके बाद 24 घंटा, उसके बाद और ठंडा पानी के अंदर रखना है और 2 घंटा मान लो, तो मोटा मोटी 2 दिन का टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो मशीन का हम फोटो दिखा दिया, मशीन का पिक्चर दिखा दिया, मशीन का प्रोसेस के बारे में समझा दिया, अभी खोलने दो उसके बाद करवा देंगे। तुम लोग करोगे तो मतलब उतना उतना कंसिस्टेंसी तुम लोगों को रहना चाहिए, ऐसा नहीं है मतलब एक दिन किया बाद वाला दिन नहीं किया, मतलब हम तो प्रोसेस समझाने में ये करेंगे रहेंगे भी, तो तुम लोगों को करना भी है, मतलब हम बोलेंगे तभी आओगे तुम लोग, ऐसा करके नहीं चलेगा। बिटुमिन का एक मतलब हाईवे और ट्रांसपोर्टेशन का ये सब लैब ही टाइम टेकिंग है, ठीक है, उसके बाद हम तो देखते हैं ना दूसरा मतलब लड़का को बिटुमिन लेके नहीं, बिटुमिन का हीट करने में ही वो लोगों का हालत खराब हो जाता है, उसके बाद तो टेस्ट तो बहुत मतलब दूर का बात है। तो तुम लोग करोगे तो लैब में तो मशीन है ही, कोई दिक्कत नहीं है, तुमको जो थ्योरी बेस है तुमको क्या करना पड़ता है हम तुमको सब कुछ समझा दिए, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम है, सीआर क्या होता सर, कॉन्ट्रैक्टर रिप्रेजेंटेटिव, कौन सा लास्ट कॉन्ट्रैक्टर दिया हुआ, कॉन्ट्रैक्टर रिप्रेजेंटेटिव रीजनल सुपरवाइजर जो होता है कॉन्ट्रैक्टर का, कॉन्ट्रैक्टर भी तो एक इंजीनियर रखता है ना, देखो हर एक कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में एक इंजीनियर रहेगा, वो सुपर रिप्रेजेंटेटिव वो तो पहले साइन करेगा ना, उसके बाद मटेरियल इंजीनियर मटेरियल इंजीनियर कंसल्टेंट मतलब मटेरियल जो प्रोवाइड कर रहा है, रेसिडेंट इंजीनियर कंसल्टेंट मतलब यही मेन है, रेसिडेंट इंजीनियर कंसल्टेंट मतलब उधर में जो उसको काम दिया है, तीनों का तीन है और कुछ नहीं, ठीक है। तो अटेंडेंस भेज दो, वो इसमें भी बेंकेल बीम बेंकेलमैन बीम में भी हम सेम चीज देखा, मतलब उसका भी तुम्हारा सिमुलेशन नहीं है, उसका भी ये नहीं है, तो उसका भी ऐसे ही कराना पड़ेगा, उसके बाद फोटो फोटो देखे सब कुछ तुम लोगों को मतलब एज ए क्या हो रहा है तुम लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा, बट जब तक प्रैक्टिकल हाथ से नहीं करोगे ना कुछ नहीं होने वाला है, वो बात सबसे बड़ा बात है, ठीक है। तो तुम लोग हाथ खोलने दो, हाथ से करना है उसके बाद, ठीक है। एक काम करो अटेंडेंस भेज देना है सिर्फ, हेलो भेज दे रहा, ठीक है बंद कर रहा, थैंक यू सर। और किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो, बोल सकते हो, प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए मेरा हिसाब से, ठीक है चलो। थैंक यू सर।